नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। इस साल की तरह हर साल हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं, और यह शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं एवं शिक्षकों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इस समाज में क्या आवश्यकता है, या शिक्षक और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, और कैसे हम शिक्षक को एक प्रकृति के साथ जोड़कर बता सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ विषयों पर मैंने एक लेख लिखा है जिसे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, कहा जाता है कि जब वो देश के राष्ट्रपति बने तो छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। तभी से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया हमने। ऐसे ही जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विवेकानंद जी और ऐसे ही कई महान विद्वान हुए हमारे देश में, जिन्होंने हमारी समाज से अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिया एवं हम सभी को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक के शिक्षा के प्रति समर्पित भाव एवं मानव समाज के प्रति आवश्यकता को दर्शाते हुए अब मैं अपनी लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। शिक्षक वह सूर्य है, शिक्षक वह सूर्य है जो अपने तेज से न सिर्फ जग को प्रकाशित करता है, शिक्षक वह सूर्य है जो अपने तेज से न सिर्फ जग को प्रकाशित करता है बल्कि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से परे, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं एवं उम्मीदों से परे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जिस तरह सूर्य कभी नहीं देखता कि उसे किसने जल चढ़ाया या किसने नहीं, किसने हाथ जोड़े या किसने नहीं, लेकिन वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहता है, उसी तरह एक शिक्षक अपने व्यक्तिगत जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप में अलग हटाकर और अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित होता है। आगे, शिक्षक उस समुद्र की गहराई सा गहरा है, शिक्षक उस समुद्र की गहराई सा गहरा है जो अपने विद्यार्थियों के विचलित हृदय को शांत करता है। जिस तरह समुद्र इतना गहरा है कि उसमें सभी नदियों का जल समाता है, ऐसे ही एक शिक्षक का हृदय होता है जो इतना विशाल होता है, इतना पेशेंस होता है उसके अंदर कि विद्यार्थियों के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, लेकिन वह अपनी धीरज के साथ, अपनी सांत्वना के साथ उनको भी शांति से समझाता है। एक बार नहीं, 10 बार भी अगर बच्चों के मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो उन्हें समझाता है और समाधान ढूंढता है। आगे, शिक्षक उस चंद्रमा की भांति शीतल है, शिक्षक उस चंद्रमा की भांति शीतल है जो अपनी शीतल ओस की बूंदों से विद्यार्थियों में धीरज के बीज बोता है। सिर्फ कक्षा में अपने विषय पर पढ़ाकर चले जाना ना तो शिक्षा है और ना ही शिक्षक है, अपितु हम अपने व्यवहार से किस तरह बच्चों में वो बीज बो रहे हैं। जैसे अगर हम शांति अपने व्यवहार में अपनाएंगे, हम धीरज अपनाएंगे, तो हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को ग्रहण करेंगे और वह भी इतने शांत स्वभाव से चंद्रमा से बनेंगे कि किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या के आने पर भी वह शांति से उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि चंद्रमा की तरह शिक्षक उस चंद्रमा की भांति शीतल है जो अपनी शीतल ओस की बूंदों से विद्यार्थियों में धीरज के बीज बोता है। शिक्षक वह आग भी है, शिक्षक वह आग भी है जिसकी तपन से लोहा भी सोना बन जाता है, शिक्षक वह आग भी है जिसकी तपन से लोहा भी सोना बन जाता है। अगर लोहे को तपाकर उसे पीटा ना जाए तो वह सोने का रूप नहीं ले सकता। विद्यार्थी का हृदय बहुत ही कोमल होता है, चंचल होता है, पवित्र होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारतें भी छुपी होती हैं, और शिक्षक उसी का नाम है
जो उसके पूरे व्यक्तिगत जो भी उसका जीवन है उसे समझ सके और उसे सोने की तरह ढाल सके, लोहे को भी सोना बना सके। तो शिक्षक वह आग भी है जिसकी तपन से लोहा भी सोना बन जाता है। शिक्षक वह सड़क है जो स्वयं वहीं रहकर अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। आज मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपनी क्लास में हूं, मैं अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूं, और मेरे ही जैसे ना जाने कितने शिक्षक हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया और उन विद्यार्थियों को ना जाने किन किन मुकाम पर पहुँचाया। तो शिक्षक वह सड़क है जो अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाता है। शिक्षक सिर्फ शिक्षक ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति है। जिसके बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति एक पशु के समान माना जाता है। कई अशिक्षित व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें शिक्षित से भी ज़्यादा समझ होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। इसलिए कहा जाता है कि अशिक्षित व्यक्ति एक पशु के समान होता है और एवं पशु से सभ्य मानव की जो यात्रा होती है वही शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे शिक्षकों को मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है, एवं सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।